यूकेरियोटिक जीन रेगुलेशंस में हमने लैक ऑपेरॉन पढ़ा, ट्रिप ऑपेरॉन पढ़ा। इन सभी ऑपेरॉन में जीन कंट्रोल हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन रेगुलेट हो रहा है प्रोटीन की हेल्प से। लैक ऑपेरॉन में देख लीजिए, ट्रिप ऑपेरॉन में देख लीजिए, एट लास्ट प्रोटीन आती है, रेगुलेटरी प्रोटीन आती है, चाहे वो रिप्रेसर हो चाहे वो एक्टिवेटर हो। वो रिप्रेसर और वो एक्टिवेटर प्रोटीन की फॉर्म में होता है और वही रेगुलेट करता है कि लैक ऑपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। सेम ट्रिप ऑपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। प्रोकैरियोट्स में क्या प्रोटीन के थ्रू ही हमारा जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट हो सकता है? नो। आरएनए के थ्रू भी, आरएनए की हेल्प से भी प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन हो सकता है। यही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, राइबो स्विचेस। स्टार्ट करते हैं, राइबो स्विचेस क्या होते हैं। राइबो स्विचेस रेगुलेटेड आरएनए है। जैसे रेगुलेट करती है प्रोटीन्स किसी भी जीन के, एक्स वाई जेड जीन के एक्सप्रेशन को, सेम आरएनए जब रेगुलेट करते हैं किसी के भी एक्सप्रेशन को, उसी आरएनए को बोला राइबो स्विचेस। स्विच इसलिए बोला बिकॉज ये स्विच की तरह ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं रेगुलेशन। ओके, या तो जीन का एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। राइबो इसलिए बोला बिकॉज आरएनए राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, तो आरएनए के स्विचेस को बोला राइबो स्विचेस, जब आरएनए कंट्रोल कर रहे हैं जीन के रेगुलेशन को। ये हमारे रेगुलेटरी आरएनए होते हैं एंड सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं। मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बताया हुआ है कि सिस एक्टिंग एलिमेंट एंड ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट क्या होते हैं। सिस एक्टिंग एलिमेंट जो एज अ आरएनए ही परफॉर्म हो रहे हैं, जो एज अ आरएनए ही अपना फंक्शन दे रहे हैं सेल में। ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट जो आरएनए से पहले प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन फंक्शन करती है सेल में। तो ये राइबो स्विचेस एज अ आरएनए ही कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं किसी और जीन की एक्टिविटी। इनको अपना प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, ये एज अ आरएनए ही अपना फंक्शन फुल परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको बोला सिस एक्टिंग रेगुलेटरी एलिमेंट। ये हमारा नॉर्मल जीन है जिसका रेगुलेशन होना है, ए जीन है जिसका रेगुलेशन होना है, और जो इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है वो है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन रेगुलेटरी आरएनए बनाएगी और वो आरएनए हमारा ए जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। ओके, आरएनए का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। आरएनए में हमारा 5- यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है, 3- यूटीआर रीजन प्रेजेंट होता है। यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन, मींस जितना भी हमारा एक्सप्रेशन, जो भी हमारी एक्सप्रेस हो सकता है आरएनए, उसके 5- एंड पे 5- यूटीआर रीजन होता है, उसके 3- एंड पे 3- यूटीआर रीजन होता है। अब ये आरएनए कैसे राइबो स्विचेस की तरह एक्ट कर रहा है? कोई भी आरएनए जो राइबो स्विचेस की तरह एक्ट करेगा, उसमें हमारे टू टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, एप्टामर एंड एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। एप्टामर और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म की हेल्प से हमारा वो आरएनए, ये जो आरएनए है ये हमारा ए जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। एप्टामर रीजन एंड एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म। ओके, एप्टामर मीन्स जहां पे कोई भी लाइगेंड आके बाइंड होगा और उस लाइगेंड के आने की वजह से एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म अपने स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, और स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से वो डिसाइड करेगा वो स्ट्रक्चर की जीन ए प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, जीन ए एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो एप्टामर वो रीजन है जहां पे लाइगेंड आके बाइंड करेगा। लाइगेंड कुछ भी हो सकता है, मेटल आयंस, अमाइनो एसिड, कोएंजाइम। जीन ए जो है वो किसी भी लाइगेंड से कंट्रोल हो सकता है। जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो कुछ जीन्स कुछ स्टेप्स मैग्नीशियम के थ्रू कंट्रोल होते हैं, ऐसे ही हमारा कोई भी आयन, कोई भी अमाइनो एसिड, कोई भी कोएंजाइम, इनकी हेल्प से जीन ए का फंक्शन, जीन ए का एक्सप्रेशन रेगुलेट हो सकता है। तो एप्टामर पे आके वो बाइंड होंगे और एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म कोई भी स्ट्रक्चर चेंज करेगा जिसकी वजह से हमारा वो जीन ए रेगुलेट होगा नहीं होगा वो डिसाइड होगा। अब ये टू लेवल पे होता है। एक तो ऐसा है कि आरएनए बन रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है, आरएनए के फॉर्मेशन को ही रोक दिया जाए, क्योंकि जीन से हमारा क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी। जीन से आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से, आरएनए से प्रोटीन बनेगी ट्रांसलेशन की हेल्प से। अब या तो हम फर्स्ट स्टेप को रोक दें, जीन से आरएनए ही ना बनने दें, तो भी हमारा ये जीन रेगुलेशन जो है
वो रेगुलेट हो सकता है, या हम आरएनए बन जाए, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को रेगुलेट करें, मींस ट्रांसलेशन को रेगुलेट करें, तो हमारा ये जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट हो सकता है। तो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म टू टाइप से वर्क करता है, या तो वो टर्मिनेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसक्रिप्शन को एटीन्यूएट कर देता है, एटीन्यूएट मतलब हॉल्ट कर देना, रोक देना, या हमारा वो ट्रांसलेशन को रोकता है, इन दोनों में से कोई एक काम करता है। अब क्या है, एग्जांपल लेते हैं कि उसने ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट किया, ये सब में अलग अलग होता है। हमने ए जीन लिया तो हमने ये दोनों कंडीशन ली, अदरवाइज इफ हम कोई भी जीन लेंगे तो उसमें किसी में हमारा आरएनए बन जाता है, किसी में आरएनए बनने से पहले ही एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म का ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। अब हम पहले ट्रांसक्रिप्शन का देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को एटीन्यूएशन किया गया, उसको टर्मिनेट किया गया। अब आप सोचिए कि कुछ ऐसे भी जीन्स होंगे जो लाइगेंड के आने पर हमारे एक्टिव होंगे, और कुछ ऐसे भी जीन होंगे जो लाइगेंड नहीं होगा जब एक्टिव होंगे। ओके, तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट तो ये कि लाइगेंड नहीं है तो हमारे इस टाइप के आरएनए ने एंटी टर्मिनेशन रीजन बना लिया, ये हमारा जो लूप बना वो नीचे की साइड बना। इट मींस अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल हो सकता है तो हमारा नॉर्मल जीन ए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। लाइगेंड आ गया, अब सेकंड केस लाइगेंड आ गया तो लाइगेंड आके बाइंड हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म हुआ जिसकी वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो गया। इट मींस कोई भी जीन है वो हमारा लाइगेंड के ना होने पर तो ट्रांसक्रिप्शन कर देता है, बट जैसे ही लाइगेंड आता है तो ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। समझ आया इतनी बात कि यहाँ पे क्या हुआ? अब ये चीज हमारी अपोजिट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइगेंड के आने पर हमारा वो एंटी टर्मिनेशन लूप बना ले और लाइगेंड के ना होने पर वो टर्मिनेशन लूप बना ले। सो, हमारा कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो डिफरेंट जीन की डिफरेंट कंडीशन होगी। जीन ए है जो कि हमारा जब एक्सप्रेस हो रहा है, जब लाइगेंड आ रहा है, तो जीन बी है वो हमारा जब एक्सप्रेस हो रहा है, जब लाइगेंड नहीं आ रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में होगा। बट जब भी हमारा जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म जो है वो अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएगा। उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने की वजह से ये डिसाइड होगा कि अब एक्सप्रेशन आना है जीन ए का या नहीं आना है। ये तो हो गया ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे कंट्रोल हुआ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, जैसे ही हमारा लाइगेंड आके बाइंड होता है, एक एंटी टर्मिनेशन लूप या टर्मिनेशन लूप बनता है। टर्मिनेशन लूप बना तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, और एंटी टर्मिनेशन लूप बना तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुकेगा। तो इस तरीके से हमारा एप्टामर रीजन पे लाइगेंड आके बाइंड होता है, उसकी वजह से एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म ऐसा स्ट्रक्चर लेता है। अब यही चीज हमारी ट्रांसलेशन लेवल पे भी हो सकती है, देखते हैं। अब ट्रांसलेशन लेवल पे कैसे हो सकती है? जब भी ट्रांसलेशन लेवल पे होती है तो हमारा मोस्टली 5' एंड पे हमारा राइबोसिटीज प्रेजेंट होते हैं। एक बात और, राइबोसिटीज हमारे 5' पे भी हो सकता है, 3' पे भी हो सकते हैं। बट जब हमारी कंडीशन ट्रांसलेशन की आती है कि ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना है, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करना है, तो हमारा राइबोसिटीज 5' एंड पे प्रेजेंट होते हैं। अब होता कैसे है? होता ये है कि इफ हमारा लाइगेंड नहीं आ रहा है और प्रोटीन का एक्सप्रेशन जब ही आएगा जब लाइगेंड नहीं आएगा, तो लाइगेंड नहीं आता है तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट एक्सपोज रहती है और हमारा राइबोसोम आके बाइंड होता है, राइबोसोम ट्रांसलेशन करता है और हमारा प्रोटीन आ जाती है, जीन ए का एक्सप्रेशन आ जाता है। बट इफ लाइगेंड के आने पर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, तो हमारा लाइगेंड क्या कर रहा है? लाइगेंड आने की वजह से हमारा एक लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और वो उस लूप के अंदर हमारा राइबोसोम बाइंडिंग साइट जो है वो हाइड हो गई। राइबोसोम बाइंडिंग साइट उस लूप में हाइड हो गई है। ये मान लीजिए कि उस लूप के फॉर्मेशन में जो साइट यूज हुई वो राइबोसोम बाइंडिंग साइट थी। अब हमारा राइबोसोम जो है वो इजिली आके बाइंड नहीं हो पाएंगे, राइबोसोम बाइंड नहीं हो पाएंगे, तो हमारा यहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा तो हमारा मतलब लाइगेंड के आने की वजह से ट्रांसलेशन रुक गया। ये चीज अपोजिट भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइगेंड जब आए तो ट्रांसलेशन हो, लाइगेंड के प्रेजेंट होने पर ट्रांसलेशन हो, लाइगेंड के एब्सेंट होने पर ट्रांसलेशन ना हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जीन क्या है, जीन का रेगुलेटरी आरएनए जो है, राइबोस स्विच है, वो क्या है। सो ओवरऑल इस वीडियो की समरी ये है कि हमारा कोई भी प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन टू टाइप से हो सकता है, प्रोटीन से, आरएनए से। प्रोटीन से हम लैक ऑपेरॉन एंड ट्रिप ऑपेरॉन में पढ़ चुके हैं, मींस प्रोटीन आ रही है और वो रेगुलेट कर रही है हमारा कि अब कोई भी जीन ए है वो आएगा या नहीं आएगा, वो एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा।
सेकेंड थिंग, आरएनए से भी रेगुलेट हो सकता है. आरएनए से रेगुलेट हो रहा है इट मीन्स आरएनए की प्रोटीन नहीं बन रही है, आरएनए एज इट इज फंक्शन कर रहा है सेल में, तो मीन्स ये सिस रेगुलेटरी आरएनए है. अब जो ये हमारा आरएनए है इसको राइबो स्विच बोला, राइबो स्विच में हमारा एप्टामर रीजन है, एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है. सिंपल सी बात यह है कि एप्टामर रीजन पे लाइगेंड आके बाइंड होंगे. कौन से लाइगेंड? जिनसे हमारा जीन ए कंट्रोल हो रहा है. कौन से लाइगेंड? जिनके होने ना होने से जीन ए को फर्क पड़ रहा है. तो लाइगेंड आके बाइंड होंगे, और लाइगेंड आके बाइंड होने की वजह से या लाइगेंड ना बाइंड होने की वजह से एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म ऐसा स्ट्रक्चर लेगा जिसकी वजह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन एटेन्यूएट होगा या नहीं होगा, या ट्रांसलेशन इनिशिएट होगा या नहीं होगा, वो सब डिपेंड करेगा. तो हमारा लाइगेंड आके बाइंड होता है एप्टामर रीजन पे, जिसकी वजह से हमारा एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म ऐसा स्ट्रक्चर लेते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जीन ए रेगुलेट होगा या नहीं होगा. ये है हमारा राइबोस्विचेस. तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक का जीन रेगुलेशन. नेक्स्ट वीडियो से हम बैक्टीरियोफेज लैम्डा एंड यूकैरियोट्स का रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन स्टार्ट करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.